माचलिया घाट यहाँ से शुरू होगा। माचलिया घाट आता है जब अहमदाबाद से इंदौर की तरफ जाते हैं, तब रास्ते में झाबुआ एक ज़िला है, उसके बाद कुछ 20 से 30 किलोमीटर के बाद ये माचलिया घाट आता है। यहाँ पर बहुत कर्वी रोड है, काफ़ी शार्प टर्न है, सांप के तरह रास्ते हैं, ग्रीनरी भी है, और आसपास ये एक पहाड़ को काट के रोड बनाया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी एक डेंजरस रोड में से एक गिना जाता है एमपी का। तो मैंने सोचा एमपी का ये डेंजरस रोड है, मैंने यूट्यूब पे भी देखा था और काफ़ी लोगों से भी सुना था, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाते हैं इसका और आप लोगों को बताते हैं कि मारुति 800 से जो पेट्रोल कार है, एक मैं पेट्रोल कार में ड्राइव कर रहा हूँ, तो उसमें जाना कितना डेंजरस होता है और कितना एक्साइटमेंट भरा, एडवेंचर्स भरा, थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से। रोड पे जाते टाइम काफ़ी गड्ढे थे, बहुत सारे बाके टेढ़े, पूरे रोड पे ही मतलब गड्ढे थे, काफ़ी गाड़ी को बचाते बचाते चलाना पड़ रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम है, इसलिए अगर नीचे कुछ डैमेज हो जाता है, ऑयल वगैरह कुछ लीकेज हो जाता है या तो प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अभी करीबन 4 बजे, चार बज रहे हैं। इस रास्ते पे जाते टाइम स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, बट जब चढ़ाई चढ़ते हैं तब ट्रैफिक नहीं होता है। राजस्थान रोडवेज की ये बस, ये भी शायद इंदौर साइड जा रही है। रोड में प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पर कोई बेसिक फैसिलिटी आपको आसपास नहीं मिलेगी, 40 किलोमीटर उधर और 40 किलोमीटर इधर। ये रुक गया है शायद, आगे कुछ प्रॉब्लम है, क्यों रुका है? अच्छा डाइवर्जन है, डाइवर्जन लेंगे, व्हीकल कोई क्रॉस हो रहा था इस वजह से ये हुआ प्रॉब्लम, क्यों डाइवर्जन लिया? अच्छा वो टैंकर जो है वो बैक ले रहा था, दैट इज़ वाई। प्लेन रोड आता है, फिर वापस से पैचेस आते हैं, फिर थोड़ा सा प्लेन रोड आता है जिसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं। बट ये है कि जो मुझे बार बार हॉर्न बजाना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कोई क्रॉस हो रहा है तो उसे पता चल जाए। और जो चढ़ाई है ये घाट की, जो माचलिया घाट की जो चढ़ाई है, ये इस पर जो रोड बने हैं वो अच्छे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पर थोड़े रोड्स ख़राब हैं, बट जब ऊपर जब रोड होगा वो रोड काफ़ी अच्छा है। देखो ये रोड ओके है। अब हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है, ग्रीनरी भी है, काफ़ी काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाँव में यहाँ पर ट्रक का और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से संभाल के चलाना पड़ रहा है, और बारिश भी चालू हो गई है। मैं आज आगे थोड़ी छोटी सी पुल है तो मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि ट्रक ने आगे वाले काफ़ी जगह रोक ली है। मैं आराम से ही चलाता हूँ, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करता हूँ, क्योंकि स्पीड में जाने का कोई मतलब नहीं। अगर आप फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो तो सेफ्टी फर्स्ट। देखो आसपास कुछ भी रेलिंग नहीं लगी हुई, यहाँ पर एक गलती गाड़ी नीचे है, और हल्की हल्की बारिश और बहुत ग्रीनरी है। कितने सारे कलर्स यहाँ पर आपको देख रहे हैं, शायद आप देख सक रहे हो, मेरा जो कैमरा है वो शायद जस्टिस कर रहा होगा। और बारिश का मौसम अभी अभी ख़त्म हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर ग्रीनरी भी दिखाई पड़ रही है, वरना यहाँ पर आपको सिर्फ सूखा नज़र आता है, खासकर गर्मियों के मौसम में इतनी ग्रीनरी नहीं होती जितनी अभी आप देख पा रहे हैं। शार्प टर्न फिर से, आगे टैंकर है। अब आप टैंकर्स को भी यहाँ पर चढ़ाई करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, और वैसे भी वो स्लो ही चलाते हैं क्योंकि उनका एरिया काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए वो टर्न संभाल के लेते हैं, वरना अगर ये पलट जाए तो काफ़ी तकलीफ हो सकती है। यहाँ पर देखो कितना शार्प टर्न है, और उधर नीचे खाई है, और रेलिंग भी कुछ नहीं लगा रखी, ना रिफ्लेक्टर्स हैं। रिफ्लेक्टर्स भी हों तो हमें पता चले, रात के टाइम ये काफ़ी डेंजरस हो जाता है, यहाँ पर टैंकर्स बहुत निकलते हैं।
मैंने ऐसा सुना है और पढ़ा भी है कि यहाँ पर काफ़ी चोरियाँ होती थी पहले पहले यहाँ पर कानवाई निकलती थी। मतलब क्या होता है कि 10 गाड़ियों का एक ग्रुप बनाकर साथ में भेजा जाता है, किसी गाड़ी को अकेले यहाँ से क्रॉस नहीं करने देते, क्योंकि काफ़ी लूटपाट हो गई है पहले यहाँ पर बसों में, कारों में। बट अभी ऐसा नहीं है, ये कुछ 2010 और 2011 12 13 तक ऐसा होता था, अब नहीं होता, काफ़ी सुधार है अभी पहले से। बारिश तेज़ हो गई मेरे ख्याल से, हाँ तेज़ हो गई है। मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन कितने कलर्स हैं देखो आप, येलो दिख रहा है हल्का सा, ब्राउन है हल्का, स्काई ब्लू है, ग्रीन है, पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये रोड पहाड़ को काट के बनाया गया है, इसलिए इस पे ऊपर चढ़ना पड़ता है फिर नीचे उतरना पड़ता है, जिसकी वजह से आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी वो दिखती हैं। आसपास इन्होंने कोई रेलिंग नहीं लगा रखी, इसलिए साइड की जगह काफ़ी डेंजरस है। रोड में अपनी साइड पे चलें, दूसरों की साइड पे ना चलें, क्योंकि ये देखो ये बस आ रही है जिसकी वजह से। अच्छा इसने अपनी साइड बना रखी थी, और ये होना भी चाहिए, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाती। मैं स्लो ही चला रहा हूँ, और हम मारुति 800 में ड्राइव कर रहे हैं, और हमारी ये जो कार है पेट्रोल कार है, एलपीजी या फिर सीएनजी होती तो प्रॉब्लम ये आता है कि चढ़ाई करने में काफ़ी तकलीफ होती, बहुत रेस देना पड़ती इसको। देखो काफ़ी शार्प टर्न है, बहुत कर्वी रोड है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जैसे लेह लद्दाख के किसी रोड पर कोई पार्ट में हम ड्राइव कर रहे हैं। फैमिली के साथ जब जाते हैं हम, हमारी लाइफ काफ़ी बिजी है, तो होता क्या है, मैं कब से सोच रहा हूँ कि प्लान कर रहा हूँ कि ले जाऊँ और वहाँ जाके वहाँ बाइक से जाऊँ, मोटरसाइकिल से जाऊँ मेरी, या तो फिर मैं कार लेके जाऊँ, पर प्लान हो नहीं पा रहा, कोई भी मेरे फ्रेंड लोग तैयार नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि छुट्टियां तो हम मैनेज कर लेते हैं, बट इसमें प्रिपरेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और फिटनेस फिटनेस खास, उसके बिना हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रोड ट्रैफिक यहाँ चढ़ाई पर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि जो माछलिया घाट है उसके पहले गांव आता है, तो ज़्यादातर वहीं सब लोग रुक जाते हैं। चढ़ाई पर आगे इंदौर तक जाने वाले लोग ही हैं, हम इंदौर जा रहे हैं, अहमदाबाद से निकले थे, तो बीच में ये इंटरेस्टिंग सा रोड आया, तो मैंने सोचा, पहले से मेरे दिमाग में था माचलिया घाट का मैं वीडियो बनाऊंगा, और सारी कंडीशन अच्छी रही मेरे लिए, क्योंकि हल्की हल्की बारिश होने लगी, वरना धूप अगर सूरज सामने से आता होता तो मैं नहीं बना पाता, क्योंकि ब्लैक वीडियो आता है फिर इतनी मज़ा नहीं आती। रोड काफ़ी थोड़ा वाइब्रेशन है, क्योंकि गिट्टी नीचे ज़्यादा निकली गई है बारिश की वजह से, और थोड़े खड्डे भी ज़्यादा हैं यहाँ पर, इतना स्मूथ रोड नहीं है जो धार के बाद इंदौर हाईवे पे लगता है, या फिर गुजरात में बड़ौदा, गुजरात अहमदाबाद बड़ौदा के हाईवे पर था, काफ़ी शार्प टर्न। पेट्रोल कार होने की वजह से इसके 800 सीसी का पूरा फ़ायदा हम उठा सकते हैं, पिकअप बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। ये मेरी गाड़ी है इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट क्योंकि पेट्रोल कार का हमेशा, और ख़ासकर मारुति 800 का पिकअप 800 सीसी की इसमें काफ़ी बढ़िया है, जो कि मैंने एलपीजी और सीएनजी भी चलाई है, उसमें इतना पिकअप मज़ा नहीं आता। मेरे ख्याल से अब घाट समाप्त होने वाला है। यस नहीं, सावधान लिखा है, फिर से कवि रोड, उधर भी कुछ नहीं है, देखिए पहाड़ दिख रहे हैं, बाइक वाले भी यहाँ से गुजर रहे हैं, लोकल होंगे, आसपास रहते होंगे। ट्रक्स का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हमें, हॉर्न बजाते रहना पड़ता है। ये जो रोड है ऊपर की तरफ है, और यहाँ रेलिंग लगी हुई है, इंटरेस्टिंग, इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ कि मेरे पास जो वर्ड्स नहीं मिल रहे, आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कितना मज़ा आ रहा है। यहाँ पर मुझे फ़ोटोग्राफी करने का काफ़ी मन था, बट बारिश शुरू हो गई, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने प्लान कैंसिल किया। मैंने कहा ठीक है, अभी सिर्फ वीडियो ही बना लेता हूँ।
दो पहाड़ हैं आसपास, ये पहाड़ी कटी हुई है और वहाँ यहाँ बीच में से रोड बनाया गया है। देखो जैसे मैं आपको बता रहा था, पहाड़ काट के रोड निकाला गया है। अब थोड़ी देर बाद नीचे उतार चालू हो जाएगा, ये काउस ख़त्म होने के बाद पूरा पहाड़ काटा गया है। एक दूसरा रोड भी बन रहा है, वो रोड बनने के बाद ये रास्ता ख़त्म हो जाएगा, बट वो काफ़ी सालों से बन रहा है, अभी तक वो प्रोजेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। बहुत टर्न है यहाँ पर, ओवरटेक करना मतलब काफ़ी डेंजर हो सकता है। एक्सपीरियंस ड्राइवर होते हैं, मतलब जो डेली ड्राइवर्स होते हैं वो भी ऐसा करते हैं, बट फिर भी ये डेंजरस है। अब यहाँ ऐसे शार्प टर्न में मैं अगर क्रॉस करूँगा और सामने से कोई आया तो मेरे लिए तकलीफ़, उसके लिए भी तकलीफ़, इसलिए मैं स्लो चलाऊँगा और गाड़ी से थोड़ा दूर रहूँगा, दूसरी गाड़ियों से, ट्रकों से खास करके, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। वरना ब्रेक लगाते हैं और चढ़ाई पे क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद भी फिर से एक्सलेशन जब वो लोग करते हैं तो गाड़ी अगर एक्सलेट ठीक से नहीं हुई तो रिवर्स आ सकती है, इसकी वजह से मैं गाड़ी दूर रखता हूँ। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, तब जो हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। बहुत बार मैंने सोचा लंबी ड्राइव पे जाऊं बट कभी हो नहीं पाता है, इस वजह से जब ऐसा कुछ रूट मिलता है तब मैं ड्राइव करता हूं और इस पल को बहुत इंजॉय करता हूं। और आज तो ऐसा हो गया, बारिश भी हो गई, हल्की हल्की ग्रीनरी भी है, तो इस रोड पर बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ लगभग 15-20 मिनट लगते हैं इस पूरे घाट को क्रॉस करने में, तो बस वो 15-20 मिनट में ये फील मिलता है कि मैं कोई एडवेंचरस रोड पर हूँ, जो एक्सट्रीमली डेंजरस रोड माने जाते हैं इंडिया के, उसमें किसी एक में हूँ। लेह लद्दाख का मुझे इतना अभी मैं मन बना रहा था जाने के लिए, तो बस वही फील अभी लिया था, और जो मेरी अंदर का जो एक एडवेंचर वाला कीड़ा है उसको मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई थोड़ा सा बस अब संभल जाओ आप। तो घाट यहाँ पर समाप्त हुआ दोस्तों, और यहाँ से भी कुछ रोड आगे तक खराब है बट ठीक है, और थोड़े 5-1 किलोमीटर के बाद स्मूथ रोड मिल जाता है, अच्छा हाईवे मिल जाता है, और हम इजीली आगे स्मूथली जा सकते हैं, गाड़ी का पिकअप मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो, आप लोगों को मुझे ये घाट बताना था, माछलिया घाट, जो अहमदाबाद इंदौर हाईवे के बीच में आता है झाबुआ क्रॉस करने के बाद। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मुझे बताइए आपको क्या अच्छा लगा इसमें और क्या नहीं अच्छा लगा, और कमेंट ज़रूर करिए वीडियो में, तो मुझे पता चले कि आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या सोचते हैं। और ये भी ज़रूर बताइए कि आपने ऐसे कौन से रोड, इतने एडवेंचरस रोड क्रॉस किए, और या आपने बाई कार किए या बाई बाइक मोटरसाइकिल पर किए, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में आपके थॉट्स। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।